छोटी सी भूल होगी, मैं भूल ले सुधारण खातर का टेम चेत जिया नहीं, भूल भूल बनी हुई ठीक हो जाए। मानने से पैदल मार्ग शुरू करो तो महाराज जी साहब आशीर्वाद देंगे गालिया के थारी जीत निश्चित है, फिर जीत गया। महाराज जी का स्वागत करिए। अखिल भारतीय किसान सभा दिरुआस का अध्यक्ष है शोकन जी भम्मो निवेदन करोगा गांव में सारे की तरफ आ गए थे आनंद गिरी जी महाराज गए माला घाट के स्वागत करोगा बांग आशीर्वाद अपार लड़ाई जीत पाया लड़ाई ने जीत तय ले गया या शोकन जी भम्मो आप आए धनाराम जी गुजारा था जी ये भी महाराज जी का माला घाल गए पूरे गांव की तरफ कोई जो नाम भूलबुस रह गए है तो विनोद स्वामी कह रहे जो गुड फील करियो बैड फील ना करियो आप माला घाल दी। स्वागत का कार्यक्रम पूर्ण करने के बाद आगे बात रखने के लिए हमें जिन्होंने आशीर्वाद दिया जिन्होंने ये कहा कि आप तो लड़ाई लड़ो जीत आपकी निश्चित होगी ऐसे प्रेरणादायक आदरणीय गुरुजी आनंदगिरी जी महाराज से निवेदन करूंगा कि आप आए और अपने शब्दों से आए हुए किसान नौजवान साथियों को अपना मार्गदर्शन दें। जोरदार तालियों से स्वागत। एक सौ चौबीस दिन के संघर्ष के बाद किसानों की अपार सफलता के लिए आप सभी किसान साथियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मैं एक थारे कटियर बता दू राजनीति के कोनी हूँ कांग्रेडी कोनी हूँ कांग्रेसी को नहीं बीजेपी को नहीं मैं भी साथी को साथी हूँ जो को संघर्ष करे। निर्मल उमराव मेरे सगा एडो जेपी सरजीत राकेश धालड़ आज लगभग जो संघर्ष हो आज वो शायद छह सात साल पहले की बात है मुख्य टक्की में चल रही थी कद की बात है तो किसी सर की है 2016 में फे तो नए थे तो टंकी पर चढ़ा हुआ मैं मनो सचो था मेरा छोरा मर गया क्रास करा के आने समझाया बुझाया बोले मानना ही को नहीं अरे विपक्ष पार्टी विपक्ष लेने देने मनो भगवान ठीक साथ जाएंगे सब और भी संघर्ष को प्रेरणा 5 अक्टूबर ने मारो सफलता मिली यानी 14 का मां ने निर्मल भैया मैं इनको जानू को नहीं ठगवर की है लेकिन इनको संघर्ष देखिए वास्तव में मैं बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत बधाई दू कि वास्तव में संघर्ष आज संघर्ष की भी जीत है शुरू में ना इतनी बहकर करनी रात में मात्र के किसान लोग बढ़ रहे करता अब प्रसाद शुरू हो गई मिंड लिख देगा धारखंड आवेगा सही बात है कि एक सवाल पूछ रही हो कि मैं 124 दिन बड़े दंडे पर रहा कि 5 दिन रह रहे हो थोड़ा वोट दे दिया मैं दंडो किया लगा रहा मात्र हम थी 1 घंटा रह जाओ थोड़ा वोट दे दिया वो सवाल भी जरूर पूछो बोल से निर्मल नदी में थोड़ा कोई बोली वोट आपकी आत्मा हुआ है लेकिन वो जवाब फिर बाबू जरूर देगा अरे और एक और बता दिए हमें या ज्यादा तोड़ दे भैया लोगा को भैया फाटक तोड़ा हम कुर्सी तोड़नी शुरू अरे आपने देखा भी थोड़ा भाग लिया था कल्याण जारी से ऊपर थी मैं बोले वो धंधे को आंग हो गए एक हटू से किया बोले पी तुमने या ज्यादा टाइम कोर्ट को नहीं थे क्योंकि बेरोजगारी को जीतों में तो पानी डाल रहे हैं एक बूट भी मैं छोरा के लगे पापा तू सांस रह गई थी छोरी छोरी ने गईया कपड़ों लगते थे या छोरियों मिलिया पहली टेंशन गाड़ी चला करती बस पास कर चलती
गाड़ी की टिकट कटा के ट्रेन के बस रेल के माँ बिठा दियो घूमतू घूमतू डीसी आयो ट्रेन में कह लगे तुम टिकट बस पीछे डाल करिए पका दी थी पर लाइए अब तो टिकट कटाई तीन तीन बार टिकट दिखा दी तीन तीन मजाक ही हो की लोभी भी हो मन मन में सोची ताऊ बोलो है आप बुला लिया टीटी कह लगे ताऊ तू तो मरदाना टिकट तेरी जनाना तो पलंटी लगेगी और ताऊ मारे सुजीत अतरे मुंजी बो तो नाल कर जाओ हमारा कावड़े पीछो को लगावा कट्टे ठको नहीं बाबड़ा गले आगे बात बात कर पुलिस थाना ले लेगा तहसीलदार को ले लेगा आगे तो थारे पीछो ठीक तहसीलदार ठे जाएंगे कलेक्टर आ तुम्हें पिता ही बात है कॉमेडी का मतलब होता है सबका साथ सबका विकास कॉमेडी थोड़ा भ्रष्ट कौन मिले वो झूठ का तो फांस मार दे चोर को नहीं मिलेगा भ्रष्ट को नहीं मिलेगा आता है बात है अब बोलिए मन में सोची बड़ो पलंटी लागे बामलो के ऊपर पड़े चोरी वाला घाबा पड़ेगा अब चोरी वाला घाबा पड़े यार और लोग आगे बैठी टिट्टी घूमतो घूमतो फिर आयो फिर छुपे मागे मन में सोची बड़ो तरह बैठो गयो कुछ अब मैं जो वाला झूठ तेरे ने अबे दिखे दिखे हाँ ताऊ साकी बोले ताई टिकट अब अकेले तो साकी मैंने सोचो जनाना टिकट है जनाना तू बड़े ही मुर्ख बना दिया माँ तो टिकट काट के दिखाई टीटी के लगे ताई तू जनाना टिकट बदलना तू और लोग पढ़ने मारे फ्रेंड जो ने बोले टिकट बदले या तो साकी है लोग बदलता रहे ना मुझे बुलाया मान सम्मान दिया इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साधु संत जिंदाबाद जिंदाबाद बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी अब अपने बीच में बागरा से चल के पार्टी के साथी जेपी ढाका से निवेदन करूंगा आप आए अपनी बात रखे निर्वास बड़ा गांव के सम्माननीय बुजुर्गों नौजवान साथियों हमारे संघर्षों के साथी कामरेड निर्मल प्रजापत साथी उमराव जी साथी सुरजीत विदारणिया आदरणीय महाराज जी और कामरेड सुमन जी सहित मेरी मातृ शक्ति आप तमाम लोगों को सबसे पहले अखिल भारतीय किसान सभा जिला कमेटी हनुमानगढ़ की तरफ से बहुत बहुत बधाई जोरदार बधाई आप लोगों ने जब भी इस इलाके के लिए एकजुट होकर के संघर्ष किया तो आज तक लाल झंडे का संघर्ष कभी झुका नहीं जीत करके आया है आपकी पद यात्रा सहित बीमा क्लेम के लिए आपकी जो लड़ाई थी उस लड़ाई में मेरी छोटी मोटी चार पांच हाजिरी रही है मैंने देखा है हालांकि मैं 2012 से कामरेड बलवान पुनिया के साथ आपके बीच आता रहा हूँ मैंने देखा है तारानगर और चूरू के किसानों का संघर्ष कि आप जब भी एकजुट होकर के मन बना करके लड़ाई लड़ने गए हो आप जीत करके आए हो और आपकी जीत की आपकी एकजुटता की लड़ाई का बेनिफिट न केवल तारानगर और राजगढ़ की जनता को मिला है बल्कि पूरे राजस्थान सहित पूरे हिंदुस्तान के किसान को फायदा मिला है मैं आज निर्वास की सभा में इसलिए नहीं आया कि आप लोगों का बेनिफिट हुआ है जो ठगड़े का काम किया उसका आपने मुंह तोड़ जवाब दिया है बीमा कंपनी की कहीं हिम्मत नहीं होगी तब चूरू का किसान लड़ करके अपना बीमा वापस ले सकता है उनका सैटेलाइट उखाड़ सकता है तो भादरा और हनुमानगढ़ में राजस्थान के किसी भी कोने में जाने की हिम्मत नहीं करेगा ये चीज हमें समझनी पड़ेगी बातें राजनीतिक बातें हैं जो हमें समझनी पड़ेगी हमारा घर से निकलने सुबह उठते हैं जो हाथ में पानी का गिलास लेते हैं उस पानी के गिलास से लेकर के जो हमें जरूरत करती है रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई शिक्षा खेती फसल बीमा के सब कुछ राजनीति तय करती है
महाराज जिद की बात का मैं बात करा जो सोल्ट में बोलना अपना एक गांव की सुबह आगे प्रोग्राम में महाराज जी का कह प्रसाद को टेम आ गया और बरसाती आवेगा मेंढे तारे बीच में फिर बहुत सवाल करियो मैं बताऊ सवाल सुन आई बात को की कुल बिटा है मैं थारे पड़ोसी गांव को यू दिलवास में जिगा श्री बुड्ढे में कोई बेटो फर्क को नहीं ए बात तू की कुल बिटा है बात तू बिटा है बल फेदे दलने ऊपर बिठाना था खेतो दिलवास के किसान की तारा नगर और चूरू के किसान की बात जका लोग करे जका थारा वोट लेके अरे बैठे रात गमा मजा लिए जयपुर गमा जगह खुल्ला छागे वह चूरू कलेक्ट्री आगे धरना लगावे वह तारा नगर तहसील का आगे धरना लगावे तो पट्टन दापो डांटती है थोड़े सितारा को राजी ने मारे सामने जगह तीन तीन पीढ़ी और राजनीति करता कामरेड बलवान पूजा ये सामने जगह तीन तीन पीढ़ी और राजनीति करता थारा गांव का रिश्तेदार भी साढ़े चार पूरी पांच साल हो गया दलीलियां फिरे बिछारने कठे मौका मिल गया शुरू शुरू तो लोग दलील लेके फिरिया लोग ले गया दलील नीचो अब आप भी ले आप फिर पर डोरो है वो महाराज जी किसो डोरो करे मैंने मेरे को नहीं जनता को डोरो करते नहीं मैं डोरो को इलाज कर पावे कठे सबसे थोड़ा रोबटन दापो दिखा धरना को लगाओगे ये धरना ही को नाक गिराने के चौक बदलता फिरेगा फोन उठाता फिरेगा साढ़े चार पांच साल हो गया तारा नगर आ रहे थे एमएलए अभी फोन की कॉल डिटेल काट के देख लेते 500 फोन आएगा कॉल पाए पांच साल में थारा इला 5 किलोमीटर इला पास जाइयो मिलाइयो 94-187-191 नंबर है डल्ली हजार फोन उठावे डल्ली हजार फोन फर्क ये बात को है ईमानदारी के सगे इलाके के किसान घरेलू खर्चों लगा के जेब खर्चों लगा के न्यूको चुनाव लड़े लाल झंडे गए 18 साल तक तहसील बुतायो के बात करो थे बलवान पूनिया से दुगुनी ताकत के साथ निर्मल है जातिवादी के जाट है वो जंगी जातिवादी क्या लिखो थे जातिवादी अरे खेत में जाता है क्या एक जात का किसान जाता है क्या कौन सी जातिवादी की बात करते हो क्या बुढ़ानियों का मैं जाट हूँ आपकी राजनीति करने वाले लोग जिस जाति की बात आप करते हो इस चौक में बैठ करके जिस जाति की बात आप करते हो इस कड़ी पर बैठ करके क्या आपसे चुना हुआ जनप्रतिनिधि राजस्थान की विधानसभा में जाने के बाद जाति की बात करता है नहीं करता आपसे वोट लेने के लिए कर सकता है 2 महीने आपके गांव के चौक में कुछ भी हाँ बना सकते हो जिस दिन चुनाव का परिणाम आ गया जो चुनाव जीत जाएगा वो जयपुर जा करके बैठ जाएगा और जो चुनाव हार जाएगा वो 5 साल तक इंतजार करता रहेगा कि बुढ़ानिया रूस के तेरे कनावेगा लाल झंडो पावे पूरे हिंदुस्तान के कोने पर झंडो पावे